हेलो फ्रेंड, मैं ऋतु तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक ऋतु की न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सभी काफी अच्छे हैं और आप लोग हमेशा अच्छे बने रहिए, बस यही मेरी दुआ है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि यूट्यूब चैनल का जो वॉच टाइम होता है उसे कैसे कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं 90% यूट्यूबर्स जुड़े हैं, जब यूट्यूब चैनल पे अपना एक यूट्यूबर नया क्रिएटर जो होता है अपना यूट्यूब पे एक चैनल बनाता है तो उसके सामने सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है जो होता है वो होता है वॉच टाइम को कैसे पूरा करना है। देखो 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे हो जाते हैं लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है यूट्यूबर के लिए। उसे पूरा कैसे करना है और वो भी जल्दी से जल्दी ताकि आपके चैनल का मोनेटाइज ऑन हो जाए, क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए सबसे मेन होता है कि आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हो। तो 1000 सब्सक्राइबर तो यूट्यूबर गेन कर लेता है लेकिन 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है वो कैसे कंप्लीट करना है आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ, पूरी प्रोसेस बताऊंगी और वो प्रोसेस बहुत ईजी होगी। कुछ स्टेप मैं बताऊंगी उन्हें आपको फॉलो करना है जिससे आपका वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपका चैनल का मोनेटाइज भी ऑन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड तरह की वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। और दोस्तों मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है ऋतु1090 के नाम से, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों बेसिकली होता क्या है, जब हम अपना यूट्यूब पे चैनल नया क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी थी जो उसकी कंडीशंस होती हैं यूट्यूब की उन्हें फॉलो करना। उसमें कंडीशन क्या होती है, सब चाहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल मैं बनाऊं और जल्दी जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो, मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए, मुझे अर्निंग होने लगे। ठीक, ये सभी का ड्रीम होता है। ठीक है, जैसे मेरा भी था। तो उसमें क्या होता है, 1000 सब्सक्राइबर तो आपके जल्दी से जल्दी पूरे हो जाते हैं क्योंकि आजकल लोग फेसबुक पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करते हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर तो आपका पूरा हो जाता है लेकिन 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है वो आपको कैसे पूरा करना, सबसे बड़ी कंडीशन ये आ जाती है। ठीक है, उसमें होना क्या है, प्रॉब्लम होती है लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं कि आप उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी एक कैटेगरी च्वाइस कर लेनी कि आपको किस कैटेगरी पे वीडियो बनानी है। कि हाँ, मैंने ये नहीं कि आज मैंने ब्लॉग डाला, कल मैंने उस पर कॉमेडी डाल दी, तीसरे उसमें सॉन्ग कभी लिया है कभी, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। आपको एक कैटेगरी च्वाइस कर लेनी कि जिसपे आप रेगुलर वीडियोज बना सकते हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ, कि आप कैमरे के सामने आए, आप उसमें झिझक रहे हो, मुझे बोलना है कि आप बोल कुछ और रहे हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो उसमें करना क्या होगा कि जब आपको अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक अपने अपने आपके मतलब जो आप बोल रहे हो उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है ताकि जो अगला इंसान आपका वीडियो वॉच कर रहा है वो मजबूर हो जाए आपकी वीडियो को इन तक देखने के लिए। बिल्कुल सही बता रही हूँ, मतलब आपके जो चेहरे के इंस्पिरेशन होते हैं, आपको जो बोलने का कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए ताकि अगर आपका कोई बंदा वीडियो देख रहा है तो वो मजबूर हो जाए आपकी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए। नहीं कि थोड़ी सी देर स्किप कर दिया, अरे क्या यार वीडियो में क्या है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई करना है, कैमरे के सामने जब भी आपको बोलना है आपको हिचकिचाना नहीं है। स्टार्टिंग में सभी के साथ ऐसा होता है तो नर्वस आपको नहीं होना, ये नहीं कि हम नर्वस हो रहे ऐसा कुछ नहीं है, तो बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ठीक, सेकंड आपको क्या करना है कि आपको एक अपने वीडियो अपने जैसे कैटेगरी, मैंने खुद कैटेगरी च्वाइस कर ली है आपने कि हाँ मुझे इस कैटेगरी पे वीडियोज डालने हैं। ठीक है, और दूसरा कि आपको अपनी वीडियो में थोड़ा सा सस्पेंस रखना है। ठीक है, सस्पेंस रखने का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बताया कि आप वीडियो में आपने थंबनेल में लिखा कुछ है और टाइटल में लिखा कुछ है, वीडियो के अंदर कुछ और बोल दो, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि ये भी गलत है और यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। तो ये आपको ये नहीं करना है, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपने टाइटल कुछ और रखा, थंबनेल कुछ और रखा और वीडियो के अंदर कुछ और बोल लो, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं बता रही हूँ कि कैसे आपको करना है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं यूट्यूब से कितना अर्निंग करती हूँ, मुझे यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है। मैं क्या, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया कि मैं यूट्यूब से इतना कमाता हूँ, उतना कमाता हूँ, तो उन्होंने थंबनेल और टाइटल पर रखा कि मुझे यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है, लेकिन वो वीडियो में बताते कितनी है कि मुझे कितनी अर्निंग होती नहीं बताते, बिल्कुल इन तक उसको खी देते। स्टार्टिंग में बताते हैं कि हाँ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि मुझे इतनी अर्निंग होती है। ठीक है, मैंने भी वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि मुझे यूट्यूब से इतनी अर्निंग होती, तो अगर मैं स्टार्टिंग में बोल दूंगी कि यार मुझे यूट्यूब से भी मेरी पेमेंट नहीं आई, मुझे अर्निंग नहीं होती है, तो लोग मेरी वीडियो देखेंगे ही नहीं, वॉच ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग बोला कि हाँ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि मुझे यूट्यूब से एक व्यूज पे कितना पैसा मिलता है, मुझे कितनी अर्निंग हुई है, तो उसमें थोड़ा सस्पेंस बना रहता है तो वीडियो आपकी इन तक देखी जाती है। ठीक, इस तरह की वीडियो जब आपकी ज्यादा देखी जाएगी
तो जब ज्यादा वीडियो आपकी देखी जाएगी तो ज्यादा व्यूज आपके आएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे तो आपको वॉच टाइम भी जल्दी से जल्दी पूरा होगा दोस्तों। तो आपको अपनी वीडियो में थोड़ा सस्पेंस बना के रखना है। बहुत सारे लोगों ने मतलब एग्जांपल दिया है, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं साउथर्न इंडिया देखती हूँ, तो अगर आप क्राइम पेट्रोल या साउथर्न इंडिया देखते होगे तो उसमें क्या होता है कि पहले ही दिखा देते कि इसका मर्डर हुआ है, ठीक है, उसके बाद पूरी कहानी दिखाते हैं कि कैसे स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, कहाँ से शुरू हुआ और फिर कहाँ जाके उसका मर्डर हुआ, तब उसके बाद मतलब उसकी जांच वगैरह होती है, तब आके खुल के सामने बात आती है। उसी थोड़ा थोड़ा सा आपको करना है। आपको करना क्या है कि अपनी वीडियो में आपको जो आपने टाइटल रखा, जैसे मैं यूट्यूब से कितनी अर्निंग करती हूँ, तो आपको स्टार्टिंग बोलना है कि मैं बताने वाली हूँ यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है, एक व्यूज का कितना मिलता है। भले ही आपको अर्निंग नहीं होती, जो कुछ है बाद में अपना बताओ, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसा बोलना है ताकि इंसान मजबूर हो जाए आपकी वीडियो को वॉच करने के लिए। तो ये भी तरीका कि आपका मतलब कि आपका वॉच टाइम जल्दी से जल्दी पूरा होगा, ठीक है। ये आपको गलती नहीं करनी, आपने उनको शेयर कर दिया अरे मेरी वीडियो देख लो, मेरी वीडियो देख लो, किसी को शेयर करने से आपका वॉच टाइम जल्दी पूरा नहीं होगा, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने यूट्यूब की जो वीडियो है उनको अपलोड करने का टाइम फिक्स कर लेना है, एक डे फिक्स कर लेना है। अगर आप पर डे डाले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन डाल सकते हो आप, लेकिन आपको कंटिन्यू बना रहना है। ये नहीं कि आपने एक वीडियो अपलोड की, 15-20 दिन आप गायब हो गए, फिर वीडियो अपलोड की, फिर गायब हो गए। तो अगर आप कंटिन्यू किसी चीज पे फोकस नहीं करोगे तो वो चीज आपको सक्सेस नहीं करेगी। तो एक टाइम आपको अपना बांध लेना कि इस टाइम मेरी वीडियो आएंगी, इतने दिन के गैप में आएंगी, आप बताते रहिएगा। तो उससे भी क्या होगा कि जो आपकी पब्लिक आपके साथ जुड़ेगी और जो आपके चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आप पे वीडियो डालोगे, तो जो लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे वो हमेशा आपके साथ एक्टिव बने रहेंगे, आपकी वीडियो हमेशा देखेंगे दोस्तों। तो इस तरह अपना 4000 घंटे का वॉच टाइम आप जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपने घर पे बैठे हैं, अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए यूट्यूब पे चैनल ग्रो करने के लिए। मैं भी अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहती थी, बीच में मैंने थोड़ा सा मैं बिजी हो गई, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, लेकिन मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी और मैं अपना चैनल ग्रो भी करूंगी। तो अगर जो लोग इस समय सोच रहे हैं कि नहीं मुझे यूट्यूबर बनना है या मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, तो ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। इस समय आप क्राफ्टिंग और इसका वीडियो बना सकते हैं, और किस तरह की कैटेगरी आप चॉइस करेंगे कि कौन सा चैनल से मैं जल्दी से ग्रो होगा, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे वॉच कर लेना। उससे आपको काफी मतलब आइडियाज मिल जाएंगे कि आप किस तरह का चैनल अपना क्रिएट करो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।